लव लव मतलब प्यार, वही प्यार जिसमें सनी बाजी ने गदर मूवी में पाकिस्तान जाके हैंडपंप उखाड़ा था। और आज के नौजवान मतलब पाकिस्तान से बंदी ला रहे हैं। अरे रे रे, नहीं समझ में आ रहा क्या? तो डिटेल में सुनो, सीमा और सचिन नाम के दो लवर्स किसी डेटिंग ऐप में नहीं पबजी में मिल गए और दोनों ने पल जाके शादी कर ली और फिर इंडिया आके बस गए। अब भाई सीमा थी पाकिस्तानी, समझ रहे हो तुम? अब भाई डिटेल में रोस्ट करने से पहले ये क्लिप देख लो। पबजी में गेम में हुई थी, एक महीना तकरीबन हम गेम खेलते रहे, 15 दिन तक, फिर नंबर लिया एक दूसरे का, 2-3 महीने तक खाली फ्रेंड रहे हम, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत सी होने लगी, फिर बहुत लगाव हो गया मेरा इनसे। फिर हम ये भी नेपाल आए और मैं भी नेपाल आई, हम दोनों 7 दिन साथ रहे वहीं पर, शादी भी हमने की। जब हम लगा के हम एक दूसरे बगैर नहीं रह सकते तो हमने शादी भी कर ली। 7 दिन साथ रहे, फिर इन लोगों को जब लगा कि अकेले एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते तब जाके शादी की, तो समझ रहे हो 7 दिन के अंदर क्या कुछ हुआ। कुछ भाई बंधु लोग सोच रहे होंगे, अरे भाई तू ऐसे क्यों जज कर रहा है, लवर्स है, शादी गादी कर ली। अबे भाई तुम लोग तो चोमो हो क्या, मतलब 4 बच्चे की माँ, ये एक पति था उसका पाकिस्तान में, वो सब छोड़ के इस लौंडे के लिए आ गई, नहीं इस लौंडे के लिए। अब तुम लोग खुद ही सोचो, जिसके लिए अपनी फैमिली छोड़ दी, पति छोड़ दिए, एक गेम के प्यार के लिए और अपना मुल्क तक छोड़ दिया। मतलब भाई मैं इंडियन हूँ पर भाई मुझको अपने देश से इतना प्यार है कि भाई मैं किसी लड़की के प्यार में तो उसके लिए नई इंडिया छोड़ूंगा। और भाई इसने तो अपना धर्म भी चेंज कर लिया, मतलब क्या ही चूतिया हो, क्या कहते हैं, क्या प्यार क्या, मतलब ये सब पब्लिसिटी स्टंट है बस, यही है। मतलब तुम खुद ही सोचो, इतने ज्यादा न्यूज चैनल्स में न्यूज आ रही है कि इन दोनों के प्यार के बारे में, भाई सब पब्लिसिटी स्टंट है, ऐसे ही गदर मूवी का पार्ट 2 आ रहा है। तो भाई आज के लिए इतना ही बहुत है, मैंने शायद इन लोगों को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया या फिर सब सही बोला है, कोई गाली नहीं, कोई आलोचना नहीं, सब सही। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।